बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, खुशामदीद। और जैसा कि एक आर्टिस्ट से हमने मिलाया, आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट से हमने कहा डायरेक्ट आपको दूसरे आर्टिस्ट की तरफ लेकर जाएं। और हमारे साथ हमदान इदरीस इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, इतने ज़बरदस्त स्केचिंग करते हैं कि हमें भी इन्होंने हैरान कर दिया। हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में इनको हम इन्वाइट करें। अच्छा जी, ये बताएं कि आपकी उम्र है 15 साल। यस। और क्या पढ़ाई में क्या हो रहा है? मेरी मैट्रिक में हूँ, कंप्यूटर्स में मैंने स्टडी करना है। अच्छा, कंप्यूटर्स में। या। और आर्ट को सिर्फ शौक के तौर पे लेके चलेंगे? आर्ट तो ऑब्वियसली टैलेंट है बाय बर्थ, एंड या इससे मैं कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, तो भाई बाकी बातें हम हमदान से बाद में करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम साथ साथ जरा इनकी तस्वीरें स्क्रीन पे आवेजा करते चलें और उनको भी हम देखें और उस पे गप लगाएं। जी, अरे वाह, ब्यूटीफुल हमदान। ये तो देखते साथ ही मुंह से वैसे ही कुछ से निकल आया, वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। इसको थोड़ा एक्सप्लेन। अब तो अगली पे आ गया, ये वाली आर्ट वर्क है, ये मुझे इंटरनेशनली ऑर्डर आया था इन्हीं का। ओके। अच्छा, ऑर्डर आया था, क्या मतलब पैसे भी मिले थे? नहीं, उन्होंने ही वाज अ फेमस पर्सन, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं, ही इज अ डीजे फॉर हिम। ऑलराइट, ही इज अ म्यूजिक डीजे। उन्होंने कहा था मुझे स्केच करें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अंदाजन कितना लगता है अरसा एक स्केच में? यूजुअली 1 वीक या 2 वीक्स। जबरदस्त। और ये देखें जनाब, इसमें तो मैं सिर्फ परफेक्शन चेक कर रही हूँ सिर्फ। अच्छा, मैंने समझा तुम कह रही हो इसमें मैं सिर्फ इयररिंग्स चेक कर रही हूँ। इयररिंग तो मैं अभी बोलने ही वाली थी कि इसमें इयररिंग्स देखे कितने प्यारे, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये लोग आपको खुद से पिक्चर्स अपनी उसी तरह भेजते हैं और आप सिर्फ उनको एज इट इज आप उसको पेपर पे लाते हैं, राइट? यस। अरे वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये पेंसिल है या ये कोई खास पेंसिल होती है या आम पेंसिल है? पेंसिल के डिफरेंट साइजेस होते हैं, आम पेंसिल है, लेकिन उसके डिफरेंट साइजेस यूज करता हूं। ओके, ठीक है। पढ़ाई इफेक्ट होती है आपकी? पढ़ाई नहीं इफेक्ट होती, आर्टवर्क इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, या पढ़ाई नहीं इफेक्ट होती। ये जबरदस्त, क्या बात है। कैसे फैसला करते हो कि इस स्टार को स्केच करना है या इस चेहरे को स्केच करना है? ये डिपेंड करता है मेरे फेवरेट सॉन्ग पे, मूवी पे, जो मुझे सॉन्ग पसंद आता है फिर मैं उसको स्केच करता हूं, जिस सिंगर का होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्या ऐसा भी हुआ कभी किसी को लाइव बिठा के स्केच किया? नहीं, अभी वो नहीं शुरू किया। नहीं। ओके, वो मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता, कभी ट्राई नहीं किया तो मैं इसे बता नहीं सकता कि मुश्किल होता है। और ये पेंट है? ये पेंटिंग है? नहीं, ये पेंसिल कलर, पेंसिल कलर से। पेंसिल कलर से पूरी वो ऐसी लुक एक दे रहा है जैसे आपने इसको पेंटिंग की हुई है, ऑयल पेंटिंग हुई है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अच्छा, ये कौन से पेंट्स हैं जी? ऑयल पेंट्स हैं, लेकिन कैनवस पे। ऑयल पेंट्स ऑन कैनवस। या तो करना आपने आईटी है और आर्ट को एज पैशन लेके चलोगे? या आर्ट तो मैं ऑब्वियसली साथ साथ रहेगा, आईटी में भी मुझे एनिमेशन क्रिएट ही करना है कुछ आर्ट वर्क। अच्छा, और इतना जबरदस्त है, कब से स्टार्ट किया, किसी से सीखा? जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई कैन नॉट होल्ड पेंसिल, तो मुझे तो मैं मैच स्टिक से या किसी भी चीज़ से, जैसे मैं ब्लॉक से, उनसे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करता था जो कि वो लोग शॉक थे कि मैं, किसी ने क्रिएट नहीं की तो मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब से मैंने पेंसिल होल्ड करना शुरू की तभी से मैं कुछ ना कुछ ड्रा कर रहा हूँ, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क या जो मुझे पसंद आता है, और फिर से मैं करता रहा, करता रहा। प्रॉपर क्लासेस भी नहीं है या फिर खुद से ही बस जो समझ में आया करते गए? बाय बर्थ टैलेंट, कुछ भी नहीं मैंने सीखा। अरे वाह। अच्छा, ये तो पेंसिल पकड़ना तो मेरे ख्याल है 2-2.5 साल की उम्र में, शायद उससे भी कम में, आजकल तो बच्चों को पकड़ा देते हैं पेंसिल। तो खुद से खुद दीवारों पे भी लिखा घर की? ये तो मुझे याद नहीं है, शायद लिखा होगा। मेरा ख्याल है तुम्हारी अम्मा अब्बा से पूछे ना तो वो बताएंगे कि हाँ हाँ बड़ी दीवारें इसने खराब की हैं हमारी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, कभी रोका नहीं कि मैं आर्ट वर्क कुछ खराब करूँ या कुछ भी। और वैसे भी मेरे ख्याल में बच्चे दीवारों पे तब जाके लिखते हैं जब आप उनको कागज मुहैया ना करें। तो बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है, जैसे हमदान इदरीस के वालिद और वालिदा को खुद भी क्रेडिट दे रहे हैं और हम उनको भी क्रेडिट देंगे और आपको भी इनकरेज करेंगे कि हमदान की तरह अगर आपके बच्चे में आप समझते हैं कि इस तरह का टैलेंट है तो उसको इनकरेज करें। एक बर्गर की कीमत में एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कलर बॉक्स आ जाता है, क्यों जी? स्केच बुक जो है वो मेरा ख्याल है एक पिज्जा की कीमत में आ जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आर्ट एक्सपेंसिव है नहीं है, और इस हवाले से कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना एक्सपेंसिव बनाना चाहो या कितना आप उसे चीप रखो, क्योंकि आप कोई भी मटेरियल यूज, जरूरी नहीं है कि आपको आर्ट वर्क के सारे पेंसिल के साइजेस चाहिए हो, आप किसी ऑर्डिनरी पेपर पे भी आर्ट वर्क कर सकते हो।
या आप किसी बहुत एक्सपेंसिव पेपर पे भी बहुत सारी पेंसिल्स के साथ भी आर्ट वर्क कर सकते हो. ये अफेक्ट नहीं होता, भैया आपके पास थॉट्स हैं कि आप कैसे उसे ड्रा करना चाहते हो. कितना टाइम देते हो एक मतलब पूरे दिन में, अगर 24 घंटे आपके पास हैं तो किस तरह से मैनेज करते हो? क्योंकि हमारे सामने जो यूथ है, इवन हम भी बाज़ों का तो मैनेज नहीं कर पा रहे होते कि अपनी पढ़ाई को, अपने प्रोफेशन को और अपने टैलेंट को, अपनी हॉबीज़ को किस तरह साथ लेके चलें. कितना टाइम देते हो, मैनेज कैसे करते हो? वैसे मैं 2 hours आई गेस, ये 1 hour रात को, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह को स्कूल होता है और फिर स्टडीज वर्दन, और फिर जब मैं रात को फ्री होता हूँ तो मैं फिर ड्राइंग करता हूँ. सोशल मीडिया की तरफ भी मुझे काफ़ी शौक है, सोशल अकाउंट्स हैं काफ़ी मेरे. अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब भी स्टार्ट किया है और वो बहुत अच्छा फीडबैक भी आता होगा. यूथ का भी फीडबैक बहुत अच्छा, जैसे आपने बताया कि ऑर्डर्स आपको आ रहे होते हैं. ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, और हमने भी इनके इंस्टाग्राम पेज पे इनको आइडेंटिफाई किया और फिर हमने इनवाइट किया कि आप हमारे शो में आए, क्योंकि हमें नहीं यकीन आ रहा कि ये इसने खुद स्केचेस खास तौर पे खुद बनाए. ये भी बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस. तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग या पिक्चर कौन सी है अपनी? या वो अभी एक आएगी, मैंने कहा है कि मेरी फेवरेट पेंटिंग है. अच्छा, वो आएगी. वाह जी वाह, दिस इज ब्यूटीफुल. ये देखिए, ये तो मेरी फेवरेट है भाई. दिस इज फिंगर पेंटिंग बेसिकली. ओह, फिंगर पेंटिंग. या और तुम्हारा हाथ भी नजर आ रहा है उस तस्वीर में जब खींचा है. वाह, ये देखें जी, इसमें भी मुझे कुछ फिंगर पेंटिंग के असरात नजर आ रहे हैं. नहीं, ये ब्रशेस हैं. ये ब्रशेस और ये भी बस जो माइंड में आया उसको ड्रॉ कर दिया. या ऐसा होता है कि बाज़ों का किसी जगह पे जाते हो, विजिट करते हो और फिर दिल करता है कि इसी मंजर को बनाओ? अब स्पेसिफिकली ये जो मुझे राजस्थानी कल्चर का एक एज में शौक हुआ था, वो मुझे लोग वर्षा से हुआ था. वहाँ मैंने विजिट किया तो मुझे वहाँ पर अच्छा लगा कि मुझे इसे पेंट करना चाहिए. तो उसको फिर पेंट किया. वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट भी बदलता जा रहा है ना. Very good, very good. अब मैं, हमने कहा हमारी बातों में पता चले उनकी फेवरेट पेंटिंग ना निकल जाए. This is my favorite painting. ये मेरी favorite painting. Yeah, ये मैंने सबसे recently paint किया. ये cubism है basically, और abstract art भी cubism भी है. Cubism. Yeah, cubism. वो क्या होता है? Usually Picasso ने drive किया था cubism. अच्छा. जो basically लोगों से डब्बे डब्बे वाली artwork कहते हैं. अच्छा. ये आपको समझ ना आ रही हो वो artwork क्या है? Okay, तो ये है क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. मुझे कुछ ह्यूमन फिगर्स नजर आ रही हैं, कुछ पिलर्स हैं उनके अंदर है. एक बंदा है हॉर्स से बैठा हुआ और उसके नीचे जमीन पे एक वुमन बैठी हुई जिसे उसका हाथ होल्ड किया हुआ है. बेसिकली दिखाएं जी दोबारा, दोबारा दिखाएं जी. ये तो अब एक एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा देखनी पड़ेगी. ओके, एक बंदा है. ओह यस, आई कैन सी द हॉर्स नाउ, आई कैन सी द राइडर नाउ, एंड आई कैन सी द लेडी सिटिंग ऑन द ग्राउंड. ओके नहीं, ओके, कंट्री नजर आ रहा है. सभी ब्यूटीफुल, मुझे लगता है. और जरा ये राइट साइड पे कोने पे जी एक औरत जमीन पे बैठी है और उसने उसका हाथ ऊंचा किया हुआ है और उस शख्स के हाथ में उसका हाथ थामा है और वहां से एक लाइट निकल रही है. बिकॉज़ दिस इज अ रोमांटिक पेंटिंग, तो इसी वजह से मैंने अपनी मेरी पेंटिंग में मुझे सिंबॉलिक चीजें यूज करना पसंद है, तो इसी वजह से उसके हाथ से लाइट निकल रही है. ब्यूटीफुल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत. तो वो वाली बात जो यकीन नहीं आ रहा, इस पे भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं यकीन आ रहा. हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि सारा काम दान ने खुद किया है. ये कहीं किसी दोस्त वोस्त से, अम्मी अब्बा ने तो बना के नहीं भेजा. तो हम इनको अब ऑफ कैमरा असाइनमेंट देने लगे कि ये सबीन को स्केच करेंगे. ठीक है, डन. तो आप सबीन को स्केच करें और एक दो मेहमानों से मिलते हैं. हारून शुएब हमारे साथ हैं, आज पाकिस्तान टेलीविजन के कॉमेडी प्रोग्राम्स पे हम कुछ ड्रामों पे बात करेंगे. उसके बाद हम दान को दोबारा शो में बुलवाएंगे. चलते हैं एक ब्रेक की जानिब.